अस्सलाम वालेकुम। बारबरोसा टीवी देखने और सुनने वालों को खुश आमदी। नाजरीन, छोटे बच्चों को सुलाना दुनिया का एक ऐसा काम है जो वालदेन को बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर देता है। छोटे बच्चों को उठाना और सुलाना कोई आम काम नहीं, बल्कि ये काम वालदेन के लिए इंतहाई परेशान कुन है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस मसले का हल लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, अगर सबसे पहले आप सोने का एक मामूल बना लें और अपने बच्चे को रोज़ इसी टाइम के मुताबिक सुलाएं, तो आपका बच्चा इस मामूल का आदी हो जाएगा और इसकी नींद पूरी होगी, जिस वजह से वो सेहतमंद रहेगा। नाज़रीन, छोटे बच्चों को दिन और रात का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अपने कमरे में मुनासिब सूरज की रोशनी आने का इंतज़ाम रखें। इससे आपके बच्चे को दिन और रात में फ़र्क करने का अंदाज़ा हो जाएगा और वो अपने सोने की मामूल को इस बात से जोड़ लेगा। सबसे कीमती बात, अगर रात सोते वक्त आपका बच्चा जाग जाए तो लाइट को ऑन ना करें, इससे बच्चे की नींद मुतासिर होगी और वो मुकम्मल जाग जाएगा, जिस वजह से आपको और बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बरक्स, बंद लाइट में ही हल्का हल्का हिलाने से बच्चा दोबारा सो जाएगा। नादरीन, सबसे कीमती बात, धीमी धीमी आवाज़ में बच्चे से सरगोशी करें। ये एक इंतहाई कामयाब तरीका है जो ना सिर्फ रोते बच्चों को खामोश करवाने बल्कि इन्हें सुलाने में भी बहुत मुफीद है। बच्चे के कान के पास धीमी धीमी आवाज़ से सरगोशी करें तो आपका बच्चा जल्द इस आवाज़ की वजह से सो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।